हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं एक स्टेशन पे है जिसका नाम है लोकहा बाजार। लोक ही अलग है और यह लोकहा प्रखंड में आता है। लोकहा रेलवे स्टेशन पे आया हूँ अभी। झंझारपुर से इतना दूर आके मुझे पसीना छूट गए। झंझारपुर में बस के लिए 1.5 घंटे तक इंतज़ार किया। बाद में एक बस मिला। बस में जगह नहीं था, छत के ऊपर बैठ के आया हूँ और बस वाले ने बहुत कुदकाया। झंझारपुर से लोकहा तक आखिरी स्टेशन यही है। यहाँ से इंडिया की सीमा समाप्त हो जाती है और नेपाल आ जाता है। दरभंगा से ट्रेन चलेगी तो रक्सौल में सीमा समाप्त, सकरी से ट्रेन चलेगी तो जयनगर में सीमा समाप्त, और झंझारपुर से ट्रेन चलेगी तो लोकहा बाजार में सीमा समाप्त हो जाता है। इसके आगे ट्रेन नहीं जाता है। रेलवे का काम धीरे धीरे होएगा, अभी 2 साल लगेगा। यहाँ पे झंझारपुर से आंध्रा ठाड़ी तक आ गया है काम। चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ है अभी। ये आंखों के सामने लोकहा बाजार का बोर्ड है। बोर्ड की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, दीवार टूट के गिर रहा है। ये बरगद का पेड़। यह पहले स्पेशल स्टेशन था। पानी पीने वाला सिस्टम अभी तक सही है। ट्रैक का बना हुआ पोल, पेड़ भी सूख गया है। जब प्लेटफार्म का दीवार बन रहा था तभी ये स्टेशन भवन बना रहा था। अभी रेडी है, नाम लिखेगा, पेंटिंग करेगा, ये सब काम बाकी है इसका। अभी पुरानी हवेली दिख रही है। अभी बड़े बड़े पत्थर पड़ा है, बड़े बड़े घास पड़ा है, पानी पीने वाला नल पाइप, बिजली का सिस्टम, पानी का सिस्टम अभी कैसा दिख रहा है। इस लोहे के खंभे में लाइट लगा हुआ था, सोने की लंका की तरह जगमगा रहा था। सामने सिग्नल, अब वो दिन दूर नहीं। पुराना स्टेशन पर हम टिकट घाट के पास चलते हैं। पुरानी शेड कुछ इस तरह लगाता था। अब सामने पुराना स्टेशन भवन, काले अक्षर में लिखा हुआ है लोकहा बाजार। लोकहा के पीछे दक्षिण दिशा खुटौना रेलवे स्टेशन, लोहे के गेट।
उत्तरी दिशा है ये, 2-3 किलोमीटर आगे नेपाल है। ये लंबी गेट, ये लंबी दीवार, अब इसको खड़े होने की ताकत ख़त्म हो गई है। आगे भैंस चल रहा है, रेलवे ट्रैक की पोल कैसा झुका हुआ है। ये उत्तरी दिशा का लोखा बाजार का बोर्ड है, उधर ऑफिस कैंपस रेलवे का अधिकारी रहता था। जिस स्टेशन पे घोड़ा बकरी गाय नहीं वो स्टेशन बेकार, गाय को चरा कर ले जा रहा है, इसका पालन पोषण करता है उस रूम में।
यहाँ पे देखिए पुराना पटरी यहीं तहीं फेंक दिया है। ओ बरगद का पेड़ है और सामने मंदिर। ओ वाली रोड NH की तरफ जाता है और पीछे से ऐसा दिखता है। काफी बड़ा मैदान है बिल्कुल तमरिया के जैसा। काफी खूबसूरत मंदिर है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। इधर पूर्वी दिशा NH है, वहां से आएगा तो स्टेशन रोड पे चला जाएगा। स्टेशन इधर है वो बरगद के पेड़ के पास, उधर मंदिर भी है।